हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अड्डा 2.0। आज आम ए वीडियो रे डिस्कशन करवा ओटीटी एग्जाम 2024 किसी इंपोर्टेंट सोशल स्टडीज क्वेश्चन उपरे। ये होची सोशल स्टडीज मॉक टेस्ट नंबर 1। एथरे आम डिस्कशन करवा टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कशन करवा। आपन चाहिले आउट ऑफ 50 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, ए वीडियो टी आपन को ओएसटीटी बीएड सीटेट एसएसडी टीजीटी एंड जेटी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करिबा ता सहित अपन आरआई एआरआई अंगनवाड़ी समस्त एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो, काहे कि ना आमर सोशल स्टडीज रे हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स क्वेश्चन रहउची। तो ए सब क्वेश्चन आमर आरआई एग्जाम मध्ये आसुची, सेत पे इंपोर्टेंट रहइबो। तो स्टार्ट करिया प्रथम क्वेश्चन सहित। 50 क्वेश्चन रहिची, 50 रे केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिची आपन मान पई, व्हेन वाज मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज फाउंडेड। से कहुची जे मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज आमर केबे स्थापना करा दैथिला। मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज आमर स्थापना होइतरा केबे ना 1875 1875 मसिया रे। फाउंडर किए पचारिबो तो सार सैयद अहमद खान होचंत फाउंडर। आ 1875 रे से मोहम्मद आंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को फाउंडेशन करी थी बा स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर डी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। से कहे आर्य समाज रो संस्थापक किए, आर्य समाज रो संस्थापक किए बा प्रतिष्ठाता किए बोली से पचार। तो देखते स्वामी दयानंद सरस्वती अच्छी, केशव चंद्र सेन अच्छी, सार नारायण गुरु, ज्योतिबा फुले। तो आर्य समाज रो फाउंडर किए, आर्य समाज रो फाउंडर होती स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज केबे फाउंडेशन होता ना 1875 कौटी होता ना मुंबई रे होता पचार। आर्य समाज रो स्थापना कौट जगार होता मुंबई रे होता के 1875 होता किए करते ना स्वामी दयानंद सरस्वती करते। ऑप्शन नंबर ए होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वेर एनेक्स्ड बाय लॉ डेलहाउजी एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अंडर रे लॉ डेलहाउजी या भितर कौ स्टेट को अख्तियार करथिले, कौ स्टेट को अख्तियार करथिले, बंगाल, झांसी, काश्मीर, हैदराबाद। कहा को अख्तियार करथिले ना झांसी को अख्तियार करथिले। ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर, झांसी। आमर ओडिशार संबलपुर मध्ये से अख्तियार करथिले 1849। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इज ऑलमोस्ट इक्वली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बाय इक्वेटर। आमर जो इक्वेटर रही, जो विषुवरेखा रही, इक्वेटर को समान दुई भाग रे कौ महादेश विभक्त करी। तो आमर चारिटा ऑप्शन देछि, साउथ अमेरिका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, आफ्रिका। तो करेक्ट आंसर है आफ्रिका। आफ्रिका महादेशटा इक्वेटर रो समान मझी रे देखी जाइछि, समान दुई भाग करछि किए, इक्वेटर को दुई भाग रे समान दुई भाग रे विभक्त करछि किए ना आफ्रिका कॉन्टिनेंट। ऑप्शन नंबर डी होछि सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। से कहछि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रो प्रथम आईएनसी रो प्रथम महिला कांग्रेस की महिला आईएनसी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट किए। आईएनसी रो प्रथम महिला प्रेसिडेंट बा सभापति होचंती आनी बेसंत। इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्रथम वुमेन प्रेसिडेंट होची आनी बेसंत। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। से कहे जे इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट रही तार जो जज मान अछंती से मानकर रिटायरमेंट बा अवसर नेबार बयस सीमा केते। तो हाईकोर्ट रो आम जानते हाईकोर्ट रो रिटायरमेंट एज होची 62 इयर्स आपनु कहिथिली। आ सुप्रीम कोर्ट रो पचारची केते, सुप्रीम कोर्ट रो जज मानकर रिटायरमेंट नेबार बा अवसर नेबार बयस होची केते ना 65 इयर्स। सुप्रीम कोर्ट रो 65 इयर्स, आपनर हाईकोर्ट रो आमर 62 इयर्स। ऑप्शन नंबर डी होची सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर ऑफ इंडिया। से कहे इंडिया रो प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर किए, इंडिया रो प्रथम चीफ इलेक्शन कमिशनर होचंती किए ना से होचंती सुकुमार सेन। आमर एग्जाम रे फास्ट जिनस पचारुची तो फास्ट आमर प्रेसिडेंट किए पचारिथिला सेतिमे आमर इंपोर्टेंट रहबो सुकुमार सेन होचंती फास्ट चीफ इलेक्शन कमिशनर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही, व्हिच वर्ड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
थ्रो 42nd अमेंडमेंट इन 1976। से कहते 1976 42वां संविधान संशोधन नियम अनुजाई आमर भारतीय संविधान रे प्रियम्बल रे आमर को वार्ड को आमर इनक्लूड करा जाय छी इनकॉर्पोरेटेड माने इनक्लूड करा जाय छी बा अंतर्भुक्त करा गला को वार्डटा आमर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ना सोशलिस्ट आमर सोशलिस्ट वार्डटा को इनक्लूड करा जाय छी। ऑप्शन नंबर डी हो छ आमर सटीक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रे छी व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज नॉट एडजेसेंट इन टू द ओडिशा कोस्ट। से कहते ओडिशार कोस्टाल एरिया बा उपकूल एरिया को कौ जिलाटा लागी नाही लागी कि रहिनी जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर भद्रक। देखंतु आमर ओडिशार कोस्टाल एरिया को लागी छी जगतसिंहपुर लागी छी आमर जगतसिंहपुर लागी छी आमर पारादीप पोर्ट अछि केन्द्रापड़ा लागी छी आमर उपकूल लागी छी जाजपुर लागी छी आमर पुरी मध्य लागी छी पुरी लागी छी आमर ओडिशार आमर आम गंजाम जिलार गोपालपुर मध्य आमर लागी छी गोपालपुर आमर सीमार लगिक रही तो आमर जाजपुर हो केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर आम गंजाम किंतु भद्रक आमर कौटा नुह भद्रक नुहे भद्रक नुहे ना सरी आपर कौटा ना जाजपुर नुहे भद्रक अच्छी केन्द्रापड़ा अच्छी जगतसिंहपुर अच्छी जाजपुर जिला नुहे से भाई आपर जदि आप गोपालपुर दे तो गोपालपुर लगिक रही आम उपकूल अच्छी गोपालपुर आम बंगोपसगर लगी सहित आप गजपति दे गजपति आम से काटिदेवे तो भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर हम जाजपुर आमर लगे कि ना कूल आमर उपकूल को लगे कि ना। ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर जाजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वार्ड वाज इनकॉर्पोरेटेड ये क्वेश्चन आम डिस्कशन करते रिपीट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑफ व्हिच मूवमेंट वाज वंदे मातरम द बेटल सॉन्ग। से कहते जे कौ मूवमेंट रे वंदे मातरम बेटल सॉन्ग गान करा जायतिला वंदे मातरम बेटल सॉन्ग को गान करा जायतिला कौ मूवमेंट रे कौ आंदोलन रे आमर चारिटा ऑप्शन देछि करेक्ट आंसर होछि आपन मानकर को आंदोलन ना स्वदेशी मूवमेंट रे स्वदेशी मूवमेंट रे वंदे मातरम बेटल सॉन्ग आमर गान करा जायतिला। ऑप्शन नंबर ए होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहछि व्हिच वन इज नॉट ए बुद्धिस्ट लिटरेचर। या भितर कोटा गोटे बौद्ध लिटरेचर नुहे बुद्धिस्ट लिटरेचर कोटा नुहे अभिधाम पीतक अगम सिद्धांत धाम पीतक विनय पीतक जिते पीतक लगी अभिधाम पीतक धाम पीतक विनय पीतक युवा हूँ आम कौन ना युवाक आम बुद्धिस्ट लिटरेचर अटे किंतु अगम सिद्धांत यहाँ हूँ जैनिज्म लिटरेचर जैन लिटरेचर नॉट बुद्धिज्म नॉट बुद्धिस्ट लिटरेचर यहाँ हूँ जैन लिटरेचर जैन मानक लिटरेचर हूँ अगम सिद्धांत तो आमर ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टाइप ऑफ माउंटेन इज द आंडीज माउंटेन रेंज। से कहते आंडीज पर्वतमाला कौ टाइप रो माउंटेन बोली से पचार ब्लॉक माउंटेन ना फोल्ड माउंटेन ना वोल्केनिक ना रेसिडुअल। तो देखो आंडीज माउंटेन हूँ गोटाए फोल्ड माउंटेन मान कौन आम ओडिया दे थो भंगिल पर्वतमाला भंगिल तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रिवर डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ओडिशा। से कहते ओडिशा रु कौ नदीटा उत्पत्ति लाभ करना बैतरणी ऋषिकुल्या बुढ़ाबलंग ना सुवर्णरेखा। देखो ओडिशा आम कौ नदीटा बाहर बैतरणी बाहर आपर ऋषिकुल्या बाहर आम गजपति बैतरणी आम बाहर गुनाशिकार बुढ़ाबलंग बाहर किंतु सुवर्णरेखाटा आम ओडिशा उत्पत्ति लाभ करनी सुवर्णरेखा नदीटा आम झारखंड उत्पत्ति लाभ कर तो कौटार सोर्स नुहे तो दा सुवर्णरेखा सुवर्णरेखा रिवर इज डज नॉट हैव इट्स सोर्स इन ओडिशा ये झारखंड रु बाहर। ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ ओडिशा। से कहते ओडिशा रो एडवोकेट जनरल को किए निजुक्ति ओडिशा रो एडवोकेट जनरल को किए निजुक्ति आमर किए ना आमर गवर्नर बा जिलापाल निजुक्ति दिखती जिलापाल। ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर गवर्नर सरी जिलापाल कह गवर्नर मैंने आप कौन ना राज्यपाल राज्यपाल आमर किए राज्यपाल आमर आडवोकेट जनरल को निजुक्ति दिखती राज्यपाल हम जिलापाल मुझे गलत कही तो ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु बिल्ड द बारबाटी फोर्ट बारबाटी दुर्ग किए निर्माण करते तो देखो जजाजी केशरी रही चोड़गंगा देव पुरुषोत्तम देव ना मुकुंद देव बारबाटी फोर्ट बारबाटी दुर्ग निर्माण करते चोड़गंगा देव किए चोड़गंगा देव निर्माण करते बारबाटी दुर्ग। ऑप्शन नंबर बी हो सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग द गुप्त एज बराहा मिहिर वाज ए और एन डैश।
तो से कहे गुप्त एज समय रे, गुप्त शासन समय रे बराहमिहिर जने कौन थिले, स्कल्पचर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट ना नन अफ द एबव। तो करेक्ट आंसर कौन हम नन अफ द एबव। आमर बराहमिहिर थिले जने कौन, जने थिले फिजिशियन, थिले फिजिशियन थिले, ता सहित से जने मैथमेटिशियन थिले, आउ आस्ट्रोलोजर थिले। आस्ट्रोलोजर, फिजिशियन, मैथमेटिशियन थिले, किंतु साइंटिस्ट नु कि आर्टिस्ट नु, स्कल्पचर नु। तो आम नन अफ दिज हम करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द बुलंद दरवाजा ए फेमस मुगल आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट इज लोकेटेड इन। से कहे बुलंद दरवाजाटा आमर कौटी रही, बुलंद दरवाजा को मुगल समय बनई, तो सहीटा कौ जगार अच्छी, तो आमर कौटे अच्छी। ये क्वेश्चनटा बहुत रिपीटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपर सी एच टी पचारि, ओ टी टी पचार, ओ एस टी पचार, विभिन्न एग्जाम पचारूँ। आउ यहाँ यूपी टी टी क्वेश्चन पचार, उत्तर प्रदेश टी टी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वेश्चन यहाँ आम अटे। तो यहाँ उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ये क्वेश्चन पचारि। तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रही। तो बुलंद दरवाजा आमर कौटे अच्छी ना फतेहपुर सिक्री अच्छी, फतेहपुर सिक्री अच्छी, ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बिटवीन होम व्वाज द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फोर्ट। से कहे आमर सेकेंड पानीपत, द्वितीय पानीपत युद्ध क्या क्या मध्य होता, द्वितीय पानीपत युद्ध क्या क्या मध्य होता, यहाँ आम 1556 मसीहार आउ ए किए लगी ना सम्राट हेमू, हेमू आउ आकबर मध्य होता, एथेरे आकबर विक्ट्री लाभ करते विजय प्राप्त होते। ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर, आकबर एंड हेमू, हेमचंद्र विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन किए थिले, किए थिले चेयरमैन, किए थिले आमर चेयरमैन थिले आमर डॉक्टर बी आर अंबेडकर, बी आर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट बैटल ऑफ ताराइन वाज फॉट इन द ईयर। से कहे प्रथम ताराइन युद्ध क्या केबे हेइथिला, आमर फास्ट बैटल ऑफ ताराइन, प्रथम ताराइन युद्ध क्या कौटी होता आब से पचार, तो केबे होता आमर 1191 एडी, 1191 एडी फास्ट बैटल ऑफ ताराइन आमर युद्ध होता। यहाँ क्या क्या मध्य होता, यहाँ होता आप मानकर पृथ्वीराज चौहान एंड महम्मद घोरी, महम्मद घोरी आउ पृथ्वीराज, महम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान मध्य होता। प्रथम ताराइन युद्ध महम्मद घोरी परास्त होते, पृथ्वीराज चौहान एथिरे विजय लाभ करते। तो आमर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर, 1191 एडी। आउ फास्ट बैटल ऑफ ताराइन क्या क्या मध्य होता पचार, महम्मद घोरी एंड पृथ्वीराज चौहान मध्य होते। एथिरे किए विजय प्राप्त करते ना पृथ्वीराज चौहान विजय प्राप्त करते, आ सेकेंड बैटल रे सी परास्त होते आउ महम्मद घोरी से विजय प्राप्त करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आम देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन रही ड्यूरिंग गुप्त एज आर्यभट्ट वाज ए ग्रेट। से कहे गुप्त पीरियड रे, गुप्त शासन समय रे आर्यभट्ट जने महान कौन थिले, पॉलिटिशियन थिले ना स्कल्पचर थिले ना मैथमेटिशियन थिले ना नन ऑफ द एबव। तो जने कौन थिले ना ए ग्रेट मैथमेटिशियन, जने महान वैज्ञानिक गणितज्ञ थिले, वैज्ञानिक कह दऊँ गणितज्ञ थिले, कौन थिले जने जने प्रसिद्ध गणितज्ञ थिले। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर, मैथमेटिशियन। नेक्स्ट क्वेश्चन रही राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आक्ट 2009 केम इनटू फोर्स ऑन। से कहे आम जो आर सी एफ सी आक्ट 2009 के इम्प्लीमेंट है काम लागू है, से पचारे आम कम आसला यहाँ इम्प्लीमेंट ना इम्प्लीमेंट है फर्स्ट एप्रिल 2010, फर्स्ट एप्रिल 2010, ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही मेजर रोल ऑफ द टीचर ऑफ सोशल स्टडीज इज। से कहे सोशल स्टडी रे आमर गोटे शिक्षक मुख्य भूमिका बा मेजर रोल कौन, बड़ रोल कौन, मेजर रोल कौन से पचार, डिस्पेंसर ऑफ इनफर्मेसन, फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग, एनालाइजर ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स, ऑल ऑफ दिस। तो देखो सोशल स्टडीज रे गोटे शिक्षक मेजर रोल कौन र, लर्निंग रे फैसिलिटेटर, लर्निंग रे शिक्षण रे जने मार्गदर्शक रूपे काम करिवे, आउ आमर इनफर्मेसन को सोशल स्टडी इनफर्मेसन को डिस्पेंस करिवे, आउ सोशल प्रॉब्लम जहाँ किसी से आनालीसीस करिवे। तो ये सब गुड़ाक हूँ मेजर रोल जने टीचर पे सोशल स्टडीज रे। तो ऑप्शन नंबर डी हो, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी हो सठिक उत्तर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही सिपकिला इज द फेमस माउंटेन पास ऑफ से कहते सिपकिला गोटे फेमस माउंटेन पास से कौटी अच्छी सिपकिला इज द फेमस माउंटेन पास लोकेटेड इन कौटी अच्छी सिपकिला गोटे फेमस माउंटेन पास से हिमाचल प्रदेश अच्छी कौटी अच्छी हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर थ्री हूँ सठिक उत्तर नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन हूज रेन डिड ह्वेनसांग कम टू इंडिया से कहते कहार शासन समय ह्वेनसा इंडिया को बुलवा को आसते इंडिया को बुलवाक आसते क्या समय आमर एक क्वेश्चन मतलब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ आम हर्षवर्धन जिते राजा थे से ही समय ह्वेनसा इंडिया को बुलवाक आसी ऑप्शन नंबर वन हो करेक्ट आंसर हर्षवर्धन नेक्स्ट क्वेश्चन रही हूज द फाउंडर ऑफ दिल्ली इलाही दिन इ इलाही फाउंडर किए प्रतिष्ठाता किए दिन इ इलाही प्रतिष्ठाता हूँ किए ना सी होंगे आमर अकबर ग्रेट अकबर ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही हू कंपोज हर्षचरित हर्षचरित को किए रचना करते कंपोज करते मैंने रचना करते हर्षचरित किए रचना करते आमर बाणभट्ट रचना करते बाणभट्ट हर्षचरित क्या विषय आम वर्णित होना आम हर्षवर्धन वर्णित हो नेक्स्ट क्वेश्चन रही वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन रेंज इज से कहते वर्ल्ड रुठ पुणा फोल्डेड माउंटेन रेंज कौटा भंगिल पर्वतमाला कौटा भी से पचार काराकोरम सातपुरा आरावली ना हिमालय वर्ल्ड ओल्डेस्ट सबुठ पुणा फोल्डेड माउंटेन रेंज हूँ आरावली ऑप्शन नंबर सी हूँ करेक्ट आंसर आरावली रेंज यही क्वेश्चन आम आर एच टी एल टी आर एस एस डी टी जी टी सेवक सेविका ओटीटी ओटीटी समस्त एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही हाउ मेनी कंट्रीज शेयरिंग बोर्डर विथ इंडिया से कहते इंडिया सहित केतोटा देश आम सीमारेखा सेयार कर छटी सतटी आठटी ना नौटी हाउ मेनी कंट्रीज तो आम सेवेन कंट्रीज कौन कौन ना आम नॉर्थ वेस्ट आसुची पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आसुची दुटा हो गला आप रोच नेपाल भूटान आउ आप नेपाल भूटान बांग्लादेश होगला म्यांमार होगला आप चाइना होगला आमर परम दुश्मन चाइना परम शत्रु चाइना भी अच्छी आम बोर्डर अच्छी म्यांमार अच्छी बांग्लादेश अच्छी भूटान अच्छी नेपाल अच्छी इंडिया अफगानिस्तान अच्छी पाकिस्तान अच्छी एक दो तीन चार पाँच छः सात सतटा अच्छी ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर सतटी कंट्री आमर बाउंड्री सेयर करुच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी से कहते या भितर कौ आर्टिकलटा आम डायरेक्टिव प्रिंसिपल सहित प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी सहित रिलेटेड बोली से कही फॉलोइंग प्रिंसिपल कौ प्रिंसिपलटा आम फॉरेन पॉलिसी सहित रिलेटेड डायरेक्टिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपलटा आम कौन हम आर्टिकल 51 आर्टिकल 51 नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक या भितर कौटा गोटे सेडिमेंटरी रॉक पचार आमर इग्नेस रेक रॉक इग्नेस रॉक मैंने आग्नेय शिला सेडिमेंटरी रॉक अच्छी अवक्षिप्त शिला आमर तो सेडिमेंटरी रॉक कौटा से पचार कौटा सेडिमेंटरी रॉक अटे सेल मार्बल ग्रेनाइट स्लेट कौन आमर सेल हूँ गोटाए कौन सेडिमेंटरी रॉक सेल इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर सेल नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ फंडामेंटल राइट्स से कहते फंडामेंटल राइट्स गुड़ाक आम भारतीय संविधान कौ पार्ट्रे मेनसन कौ पार्ट्रे मेनसन फंडामेंटल राइट्स आप जानते 12-35 आम आर्टिकल आर्टिकल 12-35 यहाँ पार्ट थ्री अच्छी पार्ट थ्री अच्छी जो आर्टिकल पचार 12-35 भितर आम आसूँ फंडामेंटल राइट्स मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच ईयर खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट आमर केबे स्टार्ट होता खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता 1921 1918 1919 1920 तो आमर खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता 1919 नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी स्वराज पार्टी फाउंडर किए स्वराज पार्टी फाउंडर होती किए सी आर दास चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू
मोतीलाल नेहरू केबे करथिले 1923 रे करथिले 1923 रे स्वराज पार्टी फाउंड करा जायतिला फाउंडेशन हेतिला सी आर दास चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू एंड अदर्स तो इंपोर्टेंस रोल प्ले करछथि सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू तो मन रखिबे ऑप्शन नंबर 1 होछ करेक्ट आंसर सी आर दास। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय मोंटेस्क्यू ए क्वेश्चन देखु एटा आम यूपी टीईटी एग्जाम आसीला उत्तर प्रदेश टीईटी एग्जाम आसीला आउ एक क्वेश्चन आपर अलरेडी ओटीईटी एग्जाम यू कॉपी करा कहीं आम यूपी टीईटी आम उत्तरांचल टीईटी हरियाणा टीईटी राजस्थान टीईटी ए सब एग्जाम रु क्वेश्चन रिपीट करुच्छे आम ओटीईटी रिपीट करुच्छे तो देखु ए क्वेश्चन आम आसाला यूपी टीईटी आसाला 2018 आसाला ए क्वेश्चन टाक 2019 या 20 आम ओटीईटी रिपीट करते आप देखिपे जो मैंने पुराणा पिला जानते तो आम कौन हम द स्पिरिट ऑफ लॉस ए बुकटा लिखी थे किए मोंटेस्क्यू लिखी थे आउ ए क्वेश्चन आम सीएचटी रिपीट कर मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहा स्पिरिट ऑफ लॉ बुक रो राइटर होती मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द जार ऑफ रशिया ड्यूरिंग अक्टोबर रिवोल्यूशन ए क्वेश्चन ओएभीएस पचार आमर ओएसटीटी पचार आपर कंट्राक्चुअल हाईस्कल टीचर पचार तो से कहे अक्टोबर रिवोल्यूशन जितेबाला चली अक्टोबर विद्रोह जितेबाला चली समय रशिया जार किए थे रशिया किंग किए थे से पचार रशिया जार थे किए निकोलास टू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग से कहे उत्तम शिक्षादान शिक्षण क्योंटा आधार नुहे कौटा गुड टीचिंग लर्निंग सोर्स नुहे बोली से पचार प्लेजर गिविंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन वॉलंटरी पार्टिसिपेशन एटा आपर कौन ना सोशल स्टडीज पेडागोजी क्वेश्चन मन रखिए एग्जाम इंपोर्टेंट रहिबो तो से कहे कौटा गुड टीचिंग लर्निंग सोर्स नुहे तो देखु आम गुड टीचिंग लर्निंग हूँ आनंददायी प्लेजर गिविंग हम तापर उद्देश्य भित्तिक ऑब्जेक्टिव बेस्ड अटे सहित आपर वॉलंटरी पार्टिसिपेशन माने स्वतस्फूर्त अंशग्रहण माने निजे निजे अंशग्रहण करने इंटरेस्ट हम स्वतस्फूर्त अंशग्रहण ये तीन टा जाक अटे किंतु अभ्यासीकरण यहाँ गोटे नेगेटिव थिंकिंग अच्छी एम्फेसिस ऑन पार्टिसिपेशन अभ्यासीकरण पर गुरुत्व देवा यहाँ गुड टीचिंग लर्निंग सोर्स नुहे ऑप्शन नंबर सी हूँ आम सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर सी हूँ आम सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इन ओडिशा हैज द हाईएस्ट द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर से कहे ओडिशा रो निम्नलिखित कौ जगार वार्षिक तापमान व्यवधान सर्वाधिक माने कौ जगार अधिक टेम्परेचर रोच भद्रक ना झारसुगुड़ा ना फुलवाणी ना गोपालपुर कौटी आमर झारसुगुड़े आम जो टेम्परेचरटा आम एनुअली हाई रोच बा अधिक रोच ऑप्शन नंबर बी होज करेक्ट आंसर झारसुगुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ऑन व्हिच रिवर द रेंगाली डैम कंस्ट्रक्टर से कहे रेंगाली डैम कौ नदी उपरे निर्मित होई कौ नदी उपरे निर्मित होई आमर सालंदी ना कुलाब ना बैतरणी ना ब्राह्मणी रेंगाली डैमटा आमर ब्राह्मणी नदी उपरे निर्माण करा जाय छी ब्राह्मणी नदी उपरे रेंगाली डैम को निर्माण करा जाय छी ऑप्शन नंबर डी होज करेक्ट आंसर ब्राह्मणी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफशोर ऑयल फील्ड कौटा गोटे ऑफशोर ऑयल फील्ड बोली से कही अंकलेश्वर दिग्बोई कालोल ना मुंबई हाई तो ऑफशोर ऑयल फील्ड हूँ कौटा अपना मुंबई हाई हूँ गोटे ऑफशोर ऑयल फील्ड आ कालोल दिग्बोई अंकलेश्वर एगुड़ाक जमी उपरे आमर पेट्रोल डीजेल बाहर जमी उपरे जोड़ा बाहर से कहुए अनशोर बोली कहुए अनशोर कहुए आउ समुद्र भितर जो आम जो पा भितर जो आम पेट्रोल डीजेल गैस बाहर कहुए अफसोर भी कहुए मुंबई हाई हूँ गोटे अफसोर ऑयल फील्ड आउ मुंबई हाई रे काम करी सात वर्ष करी आम मुंबई हाई एरिया रे तो मुझे जानी आम जो पेट्रोल आम क्रूड ऑयल बाहर ऑयल पेट्रोल डीजेल बाहर मुझे सेवेन इयर्स वर्किंग करी एज ए फायर टेक्नीशियन तो मुझे विषय जानी अफसोर ऑयल फील्ड विषय तो ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर मुंबई हाई हूँ आम अफसर ऑयल फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इज द लार्जेस्ट व्हिच इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया से कहे जे कौटा गोटाए इंडिया लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग राज्य सब अधिक बॉक्साइट आम उत्पादन कर राज्य किए आम ओडिशा ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर ओडिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही आप द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज से कहते वायुमंडल सबुठार ऊपर स्तर को कौन कहुए वायुमंडल सबुठार ऊपर स्तर को कौन कहुए आयनोस्फीयर ना ट्रोपोस्फीयर ना स्ट्राटोस्फीयर ना एक्जोस्फीयर सबुठ तलर हूँ लोएस्ट लेयर हूँ ट्रोपोस्फीयर लोएस्ट हूँ ट्रोपोस्फीयर आउ अपर मोस्ट हूँ एक्जोस्फीयर तो ऑप्शन नंबर डी हे करेक्ट आंसर एक्जोस्फीयर ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन से कहते ओजोन लेयरटा वायुमंडल कौ स्तर में अवस्थित ओजोन लेयर वायुमंडल कौटे अच्छी ना स्ट्राटोस्फीयर अच्छी ऑप्शन नंबर बी हे करेक्ट आंसर स्ट्राटोस्फीयर ऑप्शन नंबर बी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द फेमस वार ऑफ कलिंगा वाज फॉट इन द ईयर से कहते आम प्रसिद्ध कलिंग युद्ध कौ वर्ष होता कौ ईयर होता आमर होता 261 BC ऑप्शन नंबर ए हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु डज अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से कहते उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को किए निजुक्ति प्रदान करती आमर जेको हाई कोर्ट आम राज्य किंबा जेको राज्य हो उड़ीसा किंबा बिहार किंबा जेको राज्य हो जेको राज्यर चीफ जस्टिस एंड जस्ट नॉर्मल हाई जज चीफ जस्टिस किंबा नॉर्मल जज को आम किए निजुक्ति दिखती आमर दिखती प्रेसिडेंट ही दिखती प्रेसिडेंट बा राष्ट्रपति जेको राज्यर हाईकोर्टर मुख्य विचारपति एवं अन्य विचारपति एवं सुप्रीम कोर्टर मुख्य विचारपति एवं अन्य विचारपति को निजुक्त करती किए ना प्रेसिडेंट ही करती हाईकोर्ट हो कि सुप्रीम कोर्ट हो प्रेसिडेंट द्वारा ही आमर निजुक्ति पाती ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ह्वाट इज दैट टर्म ऑफ ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा से कहते राज्यसभा मेंबर मानक कार्यकाल के वर्ष रोच राज्यसभा मेंबर कार्यकाल के वर्ष रोच ना टर्म रोच से मानकर सिक्स इयर छः वर्ष रोच ऑप्शन नंबर डी हूँ सठिक उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा राज्यसभा चेयरमैन किए बोली से पचारूँ राज्यसभा चेयरमैन किए प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर ना स्पीकर तो राज्यसभा चेयरमैन होती वाइस प्रेसिडेंट बा उपराष्ट्रपति वर्तमान किए उपराष्ट्रपति होती आमर जगदीप धनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर ए कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू लोकसभा से कहते लोकसभा इलेक्शन लड़ापाई जड़े कैंडिडेट मिनिमम बयस के दरकार लोकसभा इलेक्शन लड़ापी जड़े कैंडिडेट्र मिनिमम बयस के दरकार केत वर्ष बयस होते गोटे लोक इलेक्शन लड़ी पार लोकसभा के 25 years मिनिमम 25 years होगा दरकार 25 years। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल टू द से कहते आमर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंडियन यूनियन क्या दायित्व रहा कलेक्टिवली रेस्पोंसिबल क्या आमर लोकसभा ऑप्शन नंबर डी हूँ करेक्ट आंसर लोकसभा ए क्वेश्चन टा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लोकसभा उत्तरदायी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन रही बाय हुज एफर्ट वाज ओडिशा प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटी फॉर्म से कहते कहार उद्यम ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठन होता गोपबंधु दास गोपबंधु चौधरी मधुसूदन दास ना हरेकृष्ण माता तो करेक्ट आंसर हूँ गोपबंधु दास उद्यम ओडिशा प्रादेशिक कांग्रेस कमिटी गठित होता ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर गोपबंधु दास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही आज लास्ट क्वेश्चन आम डिस्कशन करवा हु डज इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द म्युनिसिपैलिटी से कहते म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन को किए निजुक्ति करती म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन को एजुकेटेड सिटीजन ऑफ द टाउन टैक्स पेयर ऑफ द टाउन इलेक्टेड वार्ड मेंबर मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली तो देखु आमर पौरपाल जो रही आमर म्युनिसिपैलिटी तार जो चेयरमैन रही किए निजुक्त करते इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स कौन सी विधानसभा किए आसबे कि जी टिकस दौर टैक्स दौर सी नुह कि सरकार शिक्षित नागरिक नुह तो निर्वाचित वार्ड मेंबर मान ही आमर चेयरमैन को निजुक्ति करती ऑप्शन नंबर सी हूँ आमर सठिक उत्तर। तो टोटल आम 51 क्वेश्चन कही 51 क्वेश्चन आम डिस्कसन कले तो लास्ट क्वेश्चन देखने ये गोटे एक्सट्रा क्वेश्चन आप देखने तो व्हिच आर द टू डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा हैविंग लार्जेस्ट कोल माइन्स से कहते ओडिशार क्यों दुईट जिले में बड़ बड़ कोईला खणी अच्छी कौ दुईटा जिले में
ଅନୁଗୁଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଆଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି ନା ଅନୁଗୁଳ ଆଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା? ଅନୁଗୁଳ ଆଣ୍ଡ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏ ଦୁଇଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟୋଟାଲ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ କେତେ ନା 52 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, 52 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଥିଲା, ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 52 କେତେ ସ୍କୋର ରଖିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଗୋଟାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କୃପା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାରେ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ ଆମର ମ୍ୟାଥ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜି ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଯାହାକି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।